अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। और मैं इस वक्त बैठा हूं अपने किचन गार्डन में, जिसके आप बहुत मैसेज करते हैं। एक वीडियो मैंने लगाई थी जब मेरे पास माली आया था, अपना की नाम है तेरा आजकल? हाँ, शाहिद। शाहिद मेरे साथ आया था जी। मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे नाम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। अच्छा जी, शाहिद आया था और मैंने आपको दिखाया था तो उसने गोडी वोडी करके सारी ये छोटी छोटी पैलियाँ बनाई और उसमें वो लगाया, और ये उसका थंबनेल आप देख रहे हैं। ठीक है, आपने इस वीडियो से पहले अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप पहले वो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो। आज तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने सवा 2 महीने हो गए हैं जी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पहले जो इसकी पोजीशन थी जब हमने ये सारी चीज़ें लगाई थी सब्जियाँ, तब कैसी थी और अब कैसी हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। महीना 1.5 महीना हो गया है अब ये खा रहे हैं। ये ब्राउन वाली सैलेड है, इस किस्म के जनाब, इसके ताज़े हरे पत्ते, अपना हरे कह रहा हूँ, ब्राउन पत्ते, ये देखें ऐसे ऐसे टूटती है। आए सुबहान अल्लाह, ये फ्रेश खाई जाती है जी। इसके साथ ये है आइसबर्ग, ये आइसबर्ग के पत्ते हैं। ये माशाल्लाह बड़ी तरतीब से ना इसने लगाई है जी इस दफ़ा। उसके साथ ये जो आम सैलेड पत्ता है, ये वाला, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये देखें, मैं इसका आपको पत्ता दिखाता हूँ। अच्छा, बारिशें बहुत हुई हैं तो पानी खड़ा हुआ है, तो ये ज़रा मिट्टी विट्टी इन पर चढ़ी हुई है, धो के जब इसको हम, अभी ये धुला हुआ नहीं है, वरना मैं आपको ऐसे ही खा के दिखाता रंगीला साहब की तरह, खड़ाच 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 खड़ाच, वो हर चीज़ ऐसे ही खा जाते थे। कच्ची सब्जी उनकी जेब में हुआ करती है, आलू कह रहा हूँ, गाजर, मूली, शलजम, ये उनकी सूट भी पहना होगा ना तो जेब में होते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अच्छा जी, ये प्याज लगाई थी और इसको, इसका ये है कि ये अब बनी हुई थी, ये प्याज तो नीचे नहीं बनेगी, इसकी ये जो है ना, जिसे हम पंजाबी में फूकें कहते हैं, ग्रीन प्याज जो है, ये इसके, ये हम यूज़ करते हैं अपना खाने में, इसका भी बड़ा मज़ा आता है, और चाइनीज़ में ये बड़ा ज़बरदस्त इसका इस्तेमाल होता है। पुदीना है और अपना पुदीना ही है उसमें, लेकिन ये अभी इतना नहीं हुआ क्योंकि सर्दी थी, अब इसका सीज़न शुरू होगा और ये एकदम भर जाएगा। ये देसी लहसुन जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा लगाया था, इसको बड़े होने में अभी 2 महीने और हैं, 2 महीने बाद ये पूरा होगा ना? 4 महीने लगते हैं। हाँ जी, दो हो गए हैं, 2 महीने बाद इसके नीचे पूरी वो एक लहसुन की वो पूरी पोटली सी बन जाएगी, पूरी जो गट्टी सी करते हैं जिसे, तो वो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। लहसुन की सुबह 2 तुरियां ना, 2 उसके जवे निकाल के गरम तवे पे हल्का सा सेक दे के ना, तो गरम पानी के साथ ले लेने चाहिए 30 साल के बाद। अच्छा जी, धनिया फ्रेश हमारे काम में आ जाता है, इतना है, लेकिन ये भी काफ़ी भरा हुआ होता है ठंड की वजह से जो है वो बड़ी। अच्छा जी, सबसे मेन ज़बरदस्त चीज़ इधर दिखाइए जी, ये देखें जी, ये बहुत कम लोग लगाते हैं, और बट ये है ब्रोकली, हरी गोभी जिसे हम कह सकते हैं, ये भी सैलड में बड़ी ज़बरदस्त पकती है। ये दिखाएं जी, इधर आएंगे, इधर आएंगे नीचे दिखाएं जी, ये देखें, हाँ हाँ हाँ, सुबहान अल्लाह, ये हरी गोभी भी कह लें, से ब्रोकली कह लें, ये सब में तकरीबन इतनी इतनी हो गई है, ये इतनी इतनी बन जाएगी, तो बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, सैलड में ये पालक लगी हुई है, और आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, कनाडा में सुबह नाश्ते में पालक जो है वो ज़रूर, वो हल्की सी सॉसे करके उसको ना, ये भी ज़रूर खाते हैं, तो ये भी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो इसको मैं सैलड के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी निकाल के, ये आजकल सैलड में चल रहा है, लाल मूली, ये देखें फ्रेश, ये धो के लाओ मैं खाऊं, ये धो के लाओ जरा। अच्छा जी, सैलड में ना छोटी बेबी पालक जो होती है ना, छोटे पत्ते, ये वाले
ये वाले खाने चाहिए, ये तो हल्का सा तवे पे या पैन में गरम करके ऑलिव ऑयल हल्का सा लगा के तो खाने चाहिए। ये ज़रा धो के लाओ यार, धो के लाओ, छुरी भी ले आना, ये पालक भी पकड़ो साथ। अच्छा जी, ये देखें जी, माशाल्लाह टमाटरों की ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है और ये बड़ी इनकी मोटी मोटी टहनियाँ हो गई हैं। वो बड़े जो हम लाए थे वो गिर गए हैं, इनके सिरे काटते रहे हम ऊपर से तो ये फैलते रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त फैले हैं। बारिश से उसको फूल लग गए थे लेकिन वो गिर गए हैं, वरना अभी टमाटर आ चुके होते। अच्छा जी, ये हो गया, एलोवेरा है उसी तरह वो, माशाल्लाह। एक दफ़ा आप गमले में ज़रूर एलोवेरा लगा लें, उसके लिए कोई इतनी ज़मीन नहीं चाहिए। अच्छा जी, ये बैंगन का एक ही हमारे मेरे पास पौधा था, अब ये सारे बैंगन है वो जो लगाए थे आप वीडियो में देख चुके होंगे साथ, अब ये इतने इतने हो गए हैं। इन्होंने इंशाल्लाह अब मार्च अप्रैल में फल देना है। और बाकी ये दिखाएं जी, अब पत्ते झड़ चुके हैं, ज़ाहिर है दिसंबर जनवरी है, ऊपर देखें कितनी हरियाली होती थी और कैसे ज़बरदस्त लाल पत्ते आ गए हैं, ये भी थोड़े थोड़े रह गए हैं। तो ये चीज़ें, और ये देसी नींबू जो है ये इंशाल्लाह ताला अब इसको 3 साल हो गए हैं, अब मेरा ख्याल है कि इस साल इसको फल देना चाहिए इंशाल्लाह, और ये देगा अल्लाह के फजल से। देसी नींबू का अपना मज़ा है, चाइनीज़ नींबू का कोई नहीं। अच्छा जी, आ गया है ये, ले आ भाई, आ जा बैठ जा नानी। अच्छा, ये ज़रा ज़्यादा पक गया है, ये अंदर से खोखला हो गया है, इसका वो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा खोखला हो गया, लेट हो गया तोड़ने में, इसका मज़ा आएगा, सही तरह जुड़ा हुआ है ना। और ये हमेशा ज़रा सी कड़वी होती है लेकिन बहुत मीठी है भाई। घर का साफ पानी लगा हुआ, मीठा पानी लगा हुआ, लेकिन हम जो सब्जियां खाते हैं उनको पता नहीं कौन कौन सा पानी आजकल लगता है, बस जिक्र में इतने ठप ही दो रहन दे। अच्छा जी, अभी ये किचन गार्डन आपने देख लिया, आपको एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, ये पत्ते मैं उनको डालता हूँ, ये सब्जियाँ काले मेरे कॉकटेल ने माशाल्लाह दो बच्चे दिए हैं, वो बाहर आ चुके हैं, ये दिखाएं जी, ये कॉकटेल के बच्चे हैं जी, इसको और अपने घर से बाहर आए हुए 2-3 दिन हुए हैं, उसको 10 दिन हो गए हैं। वो मेल है, ये फीमेल है, ये वाइट है, इनके माँ बाप हमें देख के एकदम छुप गए हैं, बहुत प्यारे हैं। और इधर जनाब लव बर्ड हैं, येलो वाले, ये ऊपर ऊपर ऊपर, ये देखो ये अंडे दे के कुछ दिनों बाद, कुछ दिन बैठ के उन पे उनको बाहर फेंक देते हैं, वो पड़ा हुआ है एक अंडा, एक ये पड़ा हुआ है, पता नहीं इनके अंडे क्यों ख़राब हो रहे हैं। हाँ वो जो 3 अंडे बाहर फेंक दिए हैं, एक वो पड़ा, ये है एक, 2 और 3रा ये है, और इनका कोई काम नहीं है, ये रहा, ये अंडे देते हैं बाहर फेंक देते हैं, अंडे देते हैं बाहर फेंक देते हैं। ये बजरी हैं जी, इनकी एक बैठी हुई है फीमेल अपने अंडों पे बैठी हुई है, ये वाला पेयर ये बैठा हुआ है, और वो बच्चे उसके तो बच्चे भी नहीं, नहीं खुद ही है, मैंने कहा बच्चे आ गए, ये वाला ज़रा इसकी भी फीमेल बैठी हुई है, तो नीचे ग्रीन वाले भी हैं, वो बड़े ही बदतमीज हैं, इनका डर ख़त्म ही नहीं होता, ये डरते बहुत हैं क्योंकि ये जंगली हैं। और ये बड़ी शौक से ना ये हरा हरा खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं, इनको भी डाल देते हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, जी ये थे मेरे तोते, और ये मेरा किचन गार्डन,
और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा।